मैं आपको आज एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आज की तारीख के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। कल रात की बैठक में भी राजनाथ सिंह थे, जो बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे हुई थी। उस बैठक में इसी की रणनीति तय हुई होगी और इसीलिए बैठक हुई कि अब किसानों से निपटा कैसे जाए, क्योंकि किसान झुकने मानने को तैयार नहीं है। तो राजनाथ सिंह का यह वीडियो सुनिए, क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह, तीन टुकड़ों में है, गौर से सुनिए। यह सुनना समझना जरूरी है, पहले आप सुनिए फिर मैं बताऊंगा कि मैंने यह वीडियो क्यों दिखाया। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखकर बहुत कुछ आप समझेंगे, तो जरा सुनिए। तीन टुकड़े में है, फिर कह रहा हूं, पहला टुकड़ा, मेरी जानकारी में यह नहीं था कि यहां पर कोई धरना चल रहा है, और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा, तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं। क्या कहा राजनाथ सिंह ने? राजनाथ सिंह ने कहा, सुना आपने, वो कह रहे थे कि हम कभी नहीं देखते कि किस पार्टी का संगठन, किस पार्टी से जुड़े किसान आंदोलन कर रहे हैं। जब किसान बैठा है तो हम ये सब नहीं देखते, और हमें अगर जानकारी मिलती कि किसान यहां प्रदर्शन कर रहे हैं तो मैं पहले आ जाता। ये सुना आपने, कब और क्यों कहा ये आगे बताऊं, उससे पहले कुछ और सुनिए। एक छोटा सा टुकड़ा उनके भाषण का और सुनिए। एक तरफ आप लोगों के बीच मौजूद होकर मुझे एक खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे तीन दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है, यह बेहद तकलीफ की बात है। सच कहा युद्धवीर सिंह जी, इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती, बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। इस वीडियो में क्या कहा राजनाथ सिंह ने? उन्होंने कहा बगल में पीएम है, किसान धरने पर बैठे हैं, पीएम को भी पता चल रहा होगा कि किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन किसी को भेजकर किसानों की समस्या समझने की जहमत नहीं उठाई। जिस दिन किसान एकजुट होगा कोई ताकत इनके हौसले को रोक नहीं पाएगी, ये कहा राजनाथ सिंह ने। ये दूसरा भाषण का टुकड़ा, उसी भाषण का दूसरा टुकड़ा, एक तीसरा टुकड़ा फिर सुनिए, फिर बताता हूं कब कहा, क्यों कहा और आज राजनाथ सिंह कहां है, फिर सुनिए। इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या भी है तो किसानों की है, सबसे बड़ी जनसंख्या, और किसी एक पेशे में लगे हुए लोगों की शक्ति के बारे में किसी को यदि तुलना करनी है तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में केवल कृषि क्षेत्र में, कृषि पेशे में लगी हुई जो जनसंख्या है वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनशक्ति है, और उस जनशक्ति को कभी चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी वही जनशक्ति है, और जिन मांगों को लेकर आप बैठे हैं उसकी हमको जानकारी है, और उस पर भी राकेश जी और हमारे युद्धवीर जी, यह सब सारे लोग तो आपके बीच चर्चा कर रहे हैं, सही तरीके से सारे पक्ष को आपके सामने वह रख रहे हैं, और मैं सचमुच आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, राकेश टिकैत जी और आपको भी लाखोवाल जी, और हम अपने युद्धवीर सिंह जी, यह पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, चाहे जो भी हो, लेकिन आप बराबर किसानों के उद्देश्य को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर जो जूझते रहते हैं, तो मैं आपका जितना भी अभिनंदन करूं वह कम है, मैं ऐसा मानता हूं।
चलिए तो सुन लिया आपने राजनाथ सिंह को, सुनकर क्या लगा आपको? लगता नहीं कि काश ये राजनाथ सिंह आज केंद्र की सत्ता में होते, काश यही वाले राजनाथ सिंह आज दिल्ली और देश की सत्ता में होते, काश आज राजनाथ सिंह सरकार में होते और उन्हें एहसास होता कि किसान यूं इस कदर ठंड में धरने पर बैठे हैं तो वो मिलने चले जाते। काश राजनाथ सिंह की पार्टी की सरकार होती तो राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री को भी बताते, काश राजनाथ सिंह आज सरकार में होते। लेकिन राजनाथ सिंह ने यह बयान तब दिया था, यह भाषण तब दिया था जब राजनाथ सिंह और उनकी पार्टी विपक्ष में थी। ये राजनाथ सिंह का यह भाषण 20 मार्च 2013 का है। 2014 में बीजेपी सत्ता में आई, जंतर मंतर पर भारतीय किसान यूनियन के किसान धरने पर थे, उनकी कुछ मांगे थी, यूपीए की सरकार थी और मंच पर राकेश टिकैत थे। उसी राकेश टिकैत का जिक्र राजनाथ सिंह कर रहे हैं अपने भाषण में कि अगर राकेश टिकैत इस तरह से धरने पर बैठे हैं, ये मुझे पता होता तो मैं तुरंत आता। राकेश टिकैत आज भी किसानों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी देखे गए यूपी दिल्ली बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ, लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार किसानों से बात करे, उनकी मांग सुने, उनकी मांगों पर पुनर्विचार करे। लेकिन आज सरकार उनसे बात नहीं कर रही है, सरकार एक म्याद तय कर रही है, एक लोकेशन तय कर रही है, वो भी लोकेशन तय किया बाद में अमित शाह ने, जब अमित शाह ने कहा कि आप पहले बुरारी पहुंचे, वहां जमा हो तब हम बात करेंगे कल सुबह। उसके पहले जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह, उन्होंने 8 दिन बाद की तारीख तय की कि 3 दिसंबर को हम बात करेंगे। गोया 3 दिसंबर को शुभ मुहूर्त हो, किसी महामंडलेश्वर पंडित ज्योतिषी ने एक तारीख तय की कि 3 दिसंबर को हम बात करेंगे। किसान हरियाणा और पंजाब से चले, 5 दिन हो गए, रास्ते में हरियाणा सरकार ने गड्ढे खोदे, रास्ते में वो सड़क पार न कर सकें, ट्रैक्टर या अपने वाहन से ना आ सके, इसलिए जगह जगह रोकने की जितनी कोशिश हो सकती है वैसी कोशिशें की, जैसे दुश्मन देश की सेना सरहद पार कर दी और अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हरियाणा सरकार ने पूरी ताकत झोंकी और इसकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई, आपने बहुत सारी तस्वीरें वीडियो आपने देखे हो। पूरी कोशिश मनोहर लाल खट्टर सरकार की थी और बीजेपी सरकार की कि किसान डर जाए, उनके ताकत के सामने, पुलिसिया चोर अजमाइश के सामने किसान झुक जाए और किसान दिल्ली की तरफ न बढ़े। लेकिन किसान इस बार झुकने और मानने को तैयार नहीं थे, वो आगे बढ़ते रहे। पुलिस बीच में वाटर कैनन से पुलिस ने ठंड में, इस ठंड में जब आप गर्म पानी के बगैर शायद नहाते भी नहीं होंगे, उस ठंड में किसानों पर सैकड़ों गैलन पानी फेंका और बहुत पुलिस ने रोकने की जितनी कोशिशें कर सकती थी पुलिस सब ने किया। लेकिन किसान इस बार तय करके आए हैं कि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, धरना देंगे। कहा कल किसान नेताओं ने कि उनके पास 4 महीने का राशन है और वो दिल्ली के आसपास पहुंच चुके हैं, दिल्ली जाम कर देंगे। वो कह रहे हैं उन्हें दिल्ली में कहीं धरना देने की जगह दो। जहां राजनाथ सिंह भाषण दे रहे थे तब किसान 2013 में जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, जंतर मंतर पर धरने की जगह मुकर्रर है और उसी मंच से, उस धरने वाले मंच से जहां किसान कई दिनों से बैठे थे, जिसका जिक्र राजनाथ सिंह ने अपने इस वीडियो में किया, वहां जाकर राजनाथ सिंह जैसे नेता, बड़े नेता, दिग्गज नेता बीजेपी के भाषण दे रहे थे। तब राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भाषण दे रहे थे उस मंच से, किसानों के मंच से। और आज किसान दिल्ली चल रहे हैं या दिल्ली आना चाह रहे हैं, सरकार से बात करना चाह रहे हैं, सरकार म्याद तय कर रही है 8 दिन बाद, वो भी प्रदर्शन धरने के शुरू होने और 4 दिन 3 दिन की तनातनी के बाद। किसानों का कहना है कि 2 महीने पहले उन्होंने ऐलान किया दिल्ली चलो, 2 महीने से सरकार ने कोशिश क्यों नहीं की, 2 महीने से मोदी सरकार ने क्यों नहीं किसान के प्रति। हालांकि कृषि मंत्री का कहना है 3 राउंड बात हुई, अधिकारियों के स्तर पर बात हुई। किसानों का कहना है कि आप न सिर्फ बात करें बल्कि उनकी मांग सुने। कितनी दूर है दिल्ली से टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, जहां जहां किसान है, कितनी दूर है? चंद किलोमीटर। दिल्ली में सत्ता और सरकार है और मैंने पहले भी कहा अमित शाह हैदराबाद जा सकते हैं, यहां से हैदराबाद नगर निगम चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए।
मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में जा सकते हैं, आज देव दीपावली के कार्यक्रम में दीपोत्सव के लिए काशी जा सकते हैं, लेकिन चंद किलोमीटर दूर किसानों से बात करने दिल्ली की सरकार के नुमाइंदे, केंद्रीय सरकार के नुमाइंदे, कृषि मंत्री नहीं जा सकते। वो 9 दिन बाद 8 दिन बाद का वक्त तय करते हैं। तो सवाल है कि किसानों की मांग कितनी जायज है, नाजायज है, क्या सही है, क्या गलत है, ये बात की बात है। पहले तो उनसे बात की जानी चाहिए, उनके सवालों को सुनना चाहिए। और किसानों के बहुत सारे सवाल वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल में एमएसपी का सवाल वाजिब सवाल है। एमएसपी की गारंटी चाहते हैं वो, सरकार क्यों नहीं कहती है? सरकार तमाम तरह की बयानबाजियां कर रही है, और जब किसान की मोर्चेबंदी लगा कि मोर्चेबंदी सरकार के लिए या दिल्ली के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, तब न सिर्फ तारीख तय होती है बल्कि उन्हें बुरारी जाने को कहा जाता है। और जब वो बुरारी जाने से इनकार करते हैं, तब तमाम तरह की बातें कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात प्रसारित होता है। उस मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसान अफवाहों के दायरे में किसान ना आए, अफवाहों से बचें, और यह कानून किसान कानून किसानों के हित में है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कह ही देते हैं कि यह कानून किसानों के हित में है, वही नवभारत टाइम्स ने अच्छा पाया, मोदी बोले अफवाहों से दूर रहे, शाह की बात नहीं माने किसान, अफवाहों से दूर रहें। अगर प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह देते हैं कि अफवाह है, किसान दूर रहें, और ये जो कानून है किसानों के हित में है, और उसके बाद उसके फायदे मन की बात में कल मोदी ने गिना दिए, तो सरकार की मंशा तो क्लियर है कि सरकार इस पर न कोई पुनर्विचार करना चाहती है, न सुनना चाहती है, न किसान और किसान के नुमाइंदे, किसान प्रतिनिधि और सरकार की मुलाकात से कोई निष्कर्ष निकलने वाला है। तो यही नाराजगी किसानों की है, और यही कल मोदी ने कहा, नए किसानों नए कानूनों से किसानों की समस्याएं होंगी दूर। एक तरफ आप कह रहे हैं हम बात करेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, किसान उग्र होकर दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर चुके क्योंकि कई महीनों से उनसे बात की कोई वैसी संभावना उन्हें नहीं दिखी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये कह देते हैं कि ये कानून कितना फायदेमंद है। तीसरी तरफ उन्हें कहा जाता है 3 दिसंबर को मिलो। एक मंत्री गृह मंत्री कह देते हैं कि पहले बुरारी पहुंचो फिर बात करेंगे, जिस दिन पहुंचो अगले दिन बात करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की तरफ से 31 किसान संगठनों को चिट्ठी लिख दी जाती है कि आपसे हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन आप तयशुदा जगह पर पहले पहुंचे फिर अगले दिन बात करेंगे, सारी शर्तें लगाकर आपके पास बात करने की फुर्सत नहीं है, आप जा नहीं सकते वहां, आप जाना नहीं चाहते। तो राजनाथ सिंह क्या कह रहे थे, कैसे कह रहे थे कि जहां किसान बैठा होगा वहां मैं जाऊंगा, वो कौन सी पार्टी थी? क्योंकि तब बीजेपी विपक्ष में थी। जब विपक्ष में होती है बीजेपी तो उसकी भाषा उसकी शैली यही होती है, और जब सरकार में आती है तो उसका तरीका क्या हो सकता है आप देख रहे हैं।